नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ सरल पूजा विधि धनतेरस की। तो धनतेरस की पूजा विधि हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि धनतेरस पे धनिया ज़रूर खरीदना चाहिए। तो धनिया ज़रूर लाए घर में और पूजा में रखें, खड़ा धनिया। और फिर हम अब पूजा शुरू करेंगे हम। तो पूजा में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये जान लीजिए। तो दो पान के पत्ते लाए, दो पान के पत्ते रखें और दो सुपारियां रखी हमने पूजा की। और मिठाई रख सकते हैं आप, कोई सा भी फ्रूट भी रख सकते हैं। और एक घी का दीपक ज़रूर लगाइएगा और कलश पानी से भरा हुआ कलश होना चाहिए। और कलश में हमने गंगा जल थोड़ा सा डाला है। और अगर आप कोई सा भी कलश ले सकते हैं, तांबे का, स्टील का, पीतल का, जो भी आपके पास हो। और नीचे हमने लोटे के कलश के नीचे हमने चावल रखे हैं, चावल के ऊपर कलश रखा हमने, आप ये देख सकते हैं। और फोटो रखी है हमने, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी की फ़ोटो रखी है। तो फोटो ज़रूर होना चाहिए इस तरीके की फ़ोटो। आप कैलेंडर हो तो कैलेंडर, और फोटो हो तो फोटो, आप जो भी आपके घर में हो, लेकिन ज़रूर लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। और अब जानिए कि हम किस तरीके से हम पूजा करेंगे। अब ये तो और अब धनतेरस के दिन बर्तन ज़रूर खरीदिएगा। बर्तन में भले ही कोई छोटी चीज़ खरीद लीजिए बर्तन में, जैसे कि चम्मच भी खरीद सकते हैं आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ ही खरीदें। तो जो भी चीज़ आप लेके आते हैं उसे धनतेरस पे पूजा भी करनी चाहिए। साथ में धनतेरस की पूजा के साथ हम बर्तन की भी पूजा करते हैं। नए बर्तन लाते हैं तो ज्वेलरी वगैरह जो नई लाते हैं आप, उसकी भी पूजा करिए धनतेरस पे। और ये पाटला भी है, हमने पाटले के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया और पाटले के नीचे हमने आटे से स्वास्तिक बनाया है। ये देख लीजिए, आपको दिख ही रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो इस तरीके का आटे का स्वास्तिक बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये पूजा शुरू करते हैं हम। अब ये पूजा हमने ये कलश पे सात्या बना स्वास्तिक बनाया है कंकु से। और अब हम पांच चीज़ें ज़रूर होना चाहिए हमें, पांच चीज़ें ज़रूर हम कलश के जल में डालेंगे। तो ये देखिए पांच चीज़ें कौन सी डालनी चाहिए। और धनिया, थोड़ा सा धनिया ज़रूर डालिएगा कलश में। और फूल डालिए, कंकु, हल्दी और चावल, अक्खे चावल। तो ये पांच चीज़ें इसमें कलश में डालेंगे हम। और है तो मिठाई का भोग लगाया है हमने, रसगुल्ले लिए। आप कोई से भी मिठाई ले सकते हैं, फ्रूट भी ले सकते हैं और मिठाई भी ले सकते हैं। और पतासे भी रख सकते हैं आप, जो आपका मन करे आप चढ़ा सकते हैं पूजा में। और फोटो पे हमने गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की फ़ोटो को हमने मौली चढ़ाई है, मौली पहना दी है इस तरीके से। ये और ये देखिए, अब हमने कलश को भी फूल चढ़ाया है। सभी को, गणेश जी को, महालक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, सबको तिलक करेंगे। ये देखिए हमने तिलक करा, इस तरीके से करिए। और
धनिये का धनिया भी हमने चढ़ाया है, तो धनिया जरूर लाइएगा धनतेरस पे और जरूर चढ़ाइएगा पूजा में, और मिठाई भी चढ़ाई और फूल वगैरह ये चढ़ाया। अगर लाल फूल मिलता है तो बहुत अच्छा है लाल फूल, और अगर नहीं लाल फूल है तो फिर जो भी आपको मिलता है वो फूल चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, अब हमने ये पूजा की सुपारियाँ, दो सुपारी हमने ली है, तो इससे हमने एक से हमने कुबेर जी बनाए हैं, और एक सुपारी से हमने धर्मेंद्र जी बनाए हैं। तो ये दोनों को पूजा दोनों की करेंगे हम, तो इनको भी हमने पैसे फूल चढ़ाए, कंकू चावल हल्दी सब चीज़ों से पूजा करी, मूली भी चढ़ाई है और घी का दीपक लगाया है। तो ज़रूर इस तरीके से पूजा करिए, और सरल पूजा विधि है। और धानी भी धनतेरस पे खरीदनी चाहिए, धनतेरस पे झाड़ू खरीदनी चाहिए, लक्ष्मी जी खरीदनी चाहिए, पूजा की चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए धनतेरस पे, बर्तन के साथ में पूजा की चीज़ भी खरीदनी चाहिए। तो ये धानी भी हमने चढ़ाई है पूजा में। तो इस तरीके से सरल सिंपल पूजा विधि बताई मैंने आपको, तो ज़रूर इस तरीके से आप सिंपल पूजा भी घर पे धनतेरस की कर सकते हैं। और ये धनिये जब चौकी उठाएंगे आप दूसरे दिन, तो ये कलश में जो धनिया डाला हमने, तो जल गमले में डाल दीजिए, और अंदर से जो धनिया है उसका धनिया को बो दीजिए आप गमले में, किसी भी गमले में बो सकते हैं। और ये जो धनिया है प्रसाद का, इसे भी आप सब प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, और फिर बचता है तो आप उसे बो सकते हैं। मैंने थोड़ा ही चढ़ाया है, देखिए ज़्यादा नहीं मैंने लिया है, ताकि और दिवाली पे भी धनिया ज़रूर चढ़ाइए, गुड़ और धनिया चढ़ाइएगा दिवाली पे। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की सिंपल पूजा विधि, और तो ज़रूर है तो आप इस तरीके से पूजा करिएगा। बाय फ्रेंड।